गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके जो पॉलीफेगस पेस्ट पढ़ रहे थे एंटो का, जो थर्ड ईयर का कोर्स है एंटो 311 पेस्ट्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसमें अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, पॉलीफेगस पेस्ट पढ़ रहे थे, पॉलीफेगस पेस्ट्स अपने पढ़ रहे थे। इसमें से फर्स्ट अपन ने पढ़ा था लोकस्ट, टिड्डी जिसको बोलते हैं। सेकेंड अपन ने पढ़ा था टर्माइट, दीमक जिसको बोलते हैं। ये दोनों क्लासेज अपनी हो चुकी है। अगर किसी बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी है, पहले चूक गया हो, तो वो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। अभी आज का जो नेक्स्ट पॉलीफेगस पेस्ट है अपने, उसकी बात करेंगे वाइट ग्रब। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम के दृष्टि से। आपके इस कोर्स में बहुत सारे पेस्ट हैं, है ना, 50 से अबव पेस्ट हैं। इन सब का अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तभी याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहेगा। याद रहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक चार्ट तैयार करें। चार्ट में आपको क्या लिखना है मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको अलग अलग कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कॉमन नेम। क्या लिखना है? कॉमन नेम। जिस पेस्ट, हर पेस्ट का क्या है, यहाँ कॉमन नेम आएगा, यहाँ सीक्वेंस, सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉमन नेम। कॉमन नेम के बाद आपको लिखना है उसका साइंटिफिक नेम, उस पेस्ट का साइंटिफिक नेम। फिर उसके बाद लिखना है आपको उसकी फैमिली, उसकी फैमिली। उसके बाद लिखना है आपको उसका ऑर्डर, ठीक है, फैमिली ऑर्डर। फिर लिखनी है आपको डैमेजिंग स्टेज, ठीक है, डैमेजिंग स्टेज। डैमेजिंग स्टेज का मतलब क्या है, कौन सी अवस्था है उसके लाइफ साइकिल की, कौन सी स्टेज है जो रियल में डैमेज करती है। ये आपको दो चार पेस्ट आप जब पढ़ोगे तब अपने आप दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर है ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे। जैसे अगर बात करें कोलियोप्टेरा ऑर्डर जो है ना, तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट होंगे उनकी क्या होगी, दोनों स्टेज, यानी कि उसकी जो लार्वल स्टेज है प्लस उसकी जो एडल्ट स्टेज है, दोनों ही क्या है, नुकसान पहुंचाती है। एक्सेप्शन हो सकता है, एक आधा अपवाद हो सकता है, वो अपने जब बात करेंगे, जब उस पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब बता देंगे। आपको जनरल याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही बात करें अगर लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है ना, जिसके अंदर बटरफ्लाइज मॉथ वगैरह जो आते हैं, इस ऑर्डर की जो कैटरपिलर स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तो इसकी जो कैटरपिलर स्टेज होती है, जो यानी सुंडी अवस्था जो होती है, वो डैमेज करती है। तो ये जैसे जैसे अपने पेस्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना आप, अदर। अदर में क्या आएगा कि उस पेस्ट से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है, इन सब के लिखने के बाद क्या है कि अगर उस पेज से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो कवर नहीं हुई है या जो अलग है, तो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। ये चार्ट तैयार कर लेना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर जैसे जैसे पेस्ट कवर होंगे वैसे वैसे आप लिखते जाना, और इसको डेली क्या है, आप अपने रूटीन में रखें। रूटीन में रखने का मतलब क्या है कि एक बार ज़रूर देखें, नहीं तो लास्ट में आप एक साथ इतने पेस्ट किसी भी हालत में नहीं याद कर सकोगे। 50 से अबव पेस्ट होंगे तो याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पेस्ट है। आज हम पढ़ेंगे वाइट ग्रब के बारे में, है ना, वाइट ग्रब, वाइट ग्रब। वाइट ग्रब क्या है, ये पॉलीफेगस पेस्ट है। पॉलीफेगस पेस्ट आपके सिलेबस में 5-6 है, जिसमें से दो अपने पढ़ लिए थे, थर्ड ये है वाइट ग्रब। तो वाइट ग्रब हिंदी में बोलते हैं इसको सफ़ेद लट, ठीक है। तो पॉलीफेगस पेस्ट का मतलब क्या है, बहुबक्सी कीट है। बहुबक्सी यानी कि ये बहुत सारी क्रॉप्स को क्या है, डैमेज करता है। लेकिन बात करें स्पेसिफिक पेस्ट की, तो ये क्या है, मूंगफली की जो क्रॉप होती है, ग्राउंडनट जो क्रॉप होती है, उस क्रॉप का क्या है, ये एक मेजर पेस्ट है। कौन सी क्रॉप का, जो ग्राउंडनट की आपकी क्रॉप है, मूंगफली की जो फसल है, उस फसल का ये मुख्य कीट है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है होलोट्रेकिया कॉन्सिनगुनिया, ठीक है, होलोट्रेकिया कॉन्सिनगुनिया। फैमिली है इसकी स्कैरेबिडी, फैमिली क्या है, स्कैरेबिडी। ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, ठीक है, ये तीन चीज़ें होगी। इसके बाद बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट्स की। अब होस्ट प्लांट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया क्या होते हैं, पोषक पौधे। अब पोषक पौधे, तो सबसे पहले तो आपको अगर पेस्ट की कैटेगरी का पता है, यानी कि जैसे इस कैटेगरी की बात करें, तो ये क्या है, ये पॉलीफेगस पेस्ट है ना। सफ़ेद लट क्या है, एक पॉलीफेगस पेस्ट है। इसका मतलब बहुबक्सी कीट, बहुत सारी क्रॉप को डैमेज करेगा। तो सीधी सी बात है, किसी एक इंडिविजुअल प्लांट का तो नाम अपने लिख नहीं सकते,
होस्ट प्लांट के अंदर, है ना। तो ये क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है कि ये एक बहुभक्षी कीट है जो मुख्यतः सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। प्लस जो मेन चीज़ लिखनी है वो क्या है कि यह मूंगफली की फसल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। मूंगफली की जो क्रॉप है उसके अंदर ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज की, यानी कि ये इसकी क्षति होती कैसे, ये किस प्रकार डैमेज करता है प्लांट को। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि फैमिली के हिसाब से, सॉरी ऑर्डर के हिसाब से आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्टेरा, और कोलियोप्टेरा ऑर्डर की कौन सी स्टेज नुकसान पहुँचाती है, दोनों स्टेज, ग्रब और एडल्ट। यहाँ ग्रब कन्फ्यूज मत हो जाना, ये क्या है, लार्वाई है। पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि लार्वल जो स्टेज होती है इंसेक्ट की, है नहीं, जो लार्वा स्टेज जो होती है इसको अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे बात करें अगर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, ठीक है, लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के जो लार्वा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर। कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के जो लार्वा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रब। और डिप्टेरा जो ऑर्डर है उसके जो लार्वल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैगट। तो ये ऑर्डर के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसकी यानी कि जो ग्रब स्टेज है प्लस जो एडल्ट स्टेज है, ये दोनों ही अवस्था क्या है, नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर बात करें इसकी ग्रब जो स्टेज है ना, कौन सी स्टेज, ग्रब स्टेज जो है, ग्रब स्टेज जो है ना, ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। सर्वाधिक नुकसान का मतलब क्या है कि ये, अभी मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में आपको याद हो तो लेबोरेटरी के अंदर हम जब गए थे तो मैंने आपको एक लार्वा दिखाया था, सी शेप में था, है ना। अभी डायग्राम भी दिखाएंगे इसका, ये क्या है, इस तरीके से होता है, सी शेप में होता है ना, कन्वर्टेड रहता है थोड़ा। तो इस लार्वा के जो मैंडिबल्स होते हैं, जो मैंडिबल्स होते हैं ये क्या है, बहुत मजबूत होते हैं। मैंडिबल्स जो होते हैं ये क्या है, बहुत मजबूत होते हैं। मजबूत होने का मतलब क्या है, ये जो रूटलेट्स होती है, जो जड़ें होती है प्लांट्स की, है ना, मान लो ये कोई भी प्लांट है ना, तो इसकी जो जड़ें होंगी, है ना, इन जड़ों को नुकसान पहुंचाता है ये, इन जड़ों को क्या है, काटता रहता है और नुकसान पहुँचाता है। इससे क्या होता है, प्लांट जो है वो उसकी रूटलेट्स नहीं रहेगी तो बेस ही नहीं रहेगा, तो वो क्या अपने आप गिर जाता है। तो क्या है, इसकी नुकसान दोनों स्टेज पहुंच जाती है, लेकिन जो ग्रब स्टेज जो होती है ये ज़्यादा नुकसान पहुंच जाती है। और प्लस ये क्या है कि जो रूटलेट्स होती है उनको खाती है। यहाँ एक मेन चीज़ क्या है कि अगर मान लो किसी प्लांट के अंदर, है ना, किसी भी जो पौधा है उसके अंदर रूटलेट्स की संख्या बहुत कम है, यानी कि जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं अगर इनकी संख्या बहुत कम है तो उस कंडीशन में इसका डैमेज ज़्यादा होता है, ठीक है। रूटलेट्स की संख्या कम है तो इसका डैमेज ज़्यादा होता है। अगर रूटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत डेंस है, बहुत गहरी जड़ों वाला कोई प्लांट है, तो उसके ऊपर इसका नुकसान इतना नहीं होता, या उसको फीड करने में क्या है, इनको प्रॉब्लम आती है। अब बात करें, लेकिन ये क्या है कि अगर इनकी डेंस, सॉरी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी फील्ड में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका डैमेज भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर तो चाहे किसी भी टाइप की रूटलेट्स हो, ये उसको नुकसान पहुंचाती है। अब बात करें इसके जो टाइम है, यानी कि कौन से समय पर ये क्या है, नुकसान पहुँचाती है। तो जो एक नाम सुना होगा आपने, गोधूली, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, गोधूली, गोधूली वेला, किसको बोलते हैं गोधूली, यानी कि ये क्या है, एक मैं बता दूं आपको, प्राचीन टर्म है इसका, मतलब क्या है गोधूली का, यानी कि शाम के समय, ठीक है। शाम के समय क्या होता है, जब पहले क्या करते थे लोग, गायों वगैरह को चराने के लिए बाहर लेके जाते थे, है ना, तो वापस लौटते समय, वापस जब घर को वापस आते थे तो लौटते समय क्या होता था कि उनके चलने से, यानी कि जो गाय वगैरह चलती थी उनके चलने से क्या है, मान लो कि 7:30-8 बजे के आसपास का जो टाइम था, तो उस समय क्या है, जो गली जहाँ से वो गुजरते थे तो वहाँ क्या डस्ट सी हो जाती थी, है ना, देखा होगा अभी भी बहुत बार। तो यानी कि क्या है, उस गली में क्या है, डस्ट सी हो जाएगी, ऐसे धूल सी उड़ती हुई दिखेगी, है ना, उसको बोलते हैं गोधूली। इसके लिए फिक्स टाइमिंग के लिए टर्म यूज़ की गई है। अगर टाइम की बात करें तो शाम को 7 से 8 बजे का जो समय होता है उस समय क्या है, इनका डैमेज स्टार्ट होता है, ठीक है, उस समय इनका डैमेज स्टार्ट होता है और रात भर ये डैमेज करती है। सुबह के समय क्या है, इनका डैमेज जो है वो कम हो जाता है। अब इनका डैमेज होता कैसे है,
कि रात भर तो क्या करेंगे ये जो जितने भी है ना ये ग्रब्स, ये क्या करेंगे, दिन में तो रहते हैं छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रात के समय क्या होगा, जैसे गोधूली बेला आएगा उसके बाद क्या करते हैं ये कि ये सोइल में से बाहर निकलेंगे। मान लो ये सोइल है, ये सोइल की लेयर है ना, तो इसमें से क्या बाहर निकलेंगे ये जो भी लार्वा है, ये ग्रब्स हैं, ये बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद जो प्लांट्स है ना, मान लो ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट को क्या करेंगे, ये ऊपरी सतह से, इस प्लांट को ऊपरी सतह से ग्रब और एडल्ट दोनों स्टेज है ना, दोनों नुकसान करती है, तो ग्रब और एडल्ट दोनों ये क्या करेंगे, इस प्लांट को ऊपर से खाना स्टार्ट करेंगे, है ना, इसको यहाँ से फीड करना स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ तक क्या है फीड करते हैं। जो ग्रब्स जो होते हैं ये मेनली किसको नुकसान पहुँचाते हैं, रूट्स को, है ना, रूटलेट्स को। और जो एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को ऊपर से फीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि नेचर ऑफ डैमेज क्या है, यानी कि इसका नुकसान जो है वो कैसे होता है, कैसे ये किसी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, है ना, क्या क्या, एक तो होता है कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, है ना। तो इनमें फ़र्क क्या है कि सिंपल सा है, आपको ध्यान में रखना है कि जिस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में चार स्टेज होती है उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, और जिस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में तीन स्टेज होती है उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मैंने आपको जो अपने फर्स्ट पेस्ट पढ़ा था, कौन सा, जो टिड्डी पड़ी थी, है ना, लोकस्ट जो पड़ा था वो क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। उसके लाइफ साइकिल में क्या स्टेज थी, तीन ही तो थी, एग, निम्फ और एडल्ट। लेकिन कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसके लाइफ साइकिल में क्या होती है, चार स्टेज होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। कौन कौन सी, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, लाइफ साइकिल में चार स्टेज पाई जाती है। अब बात करेंगे एक एक करके, अगर फर्स्ट बात करें एग की, है ना, क्या है एग, तो एगलिंग अगर बात करें इसकी, तो एग्स कहाँ देते हैं, ये सोइल के अंदर, सोइल के अंदर जो इसके एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स को मतलब रिप्रोडक्शन करते समय क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के बाद ये क्या है, जब एगलिंग करते हैं तब क्या है, सोइल के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर, कहाँ, 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर सोइल के अंदर क्या है, सिंगली अंडे देते। अब यहाँ सिंगली का मतलब क्या है, एक एक करके। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप में एगलिंग करते हैं, जैसे लोकस्ट हमने पढ़ी थी, है ना, लोकस्ट में क्या है वो एगलिंग क्या करती है, कैसे एगलिंग करते हैं, ग्रुप में, यानी कि जो भी मादा है वो एक साथ एक ग्रुप में 60 से 70 अंडे देती है और उसको किसी लिक्विड से कवर कर देती है। लेकिन यहाँ क्या है, इनकी एगलिंग क्या कैसे होती है, सिंगली होती है, ठीक है, 10 से 15 सेंटीमीटर। बाकी आपको ध्यान में ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, यही ध्यान रखना है कि मर्दा के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर एक एक करके अंडे दिए जाते हैं। और ये एग जो इसके एगलिंग का टाइम होता है वो क्या होता है, मई जून का जो मंथ होता है उस समय, बरसात का जो सीज़न होता है उस समय क्या होता है, इसकी एगलिंग स्टार्ट होती है। फिर बात करेंगे इसकी ग्रब स्टेज की, किसकी, ग्रब स्टेज की, तो जो मेन डैमेज करती है ना, तो ग्रब स्टेज की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका साइज आपको ध्यान में रखना है, इसका साइज होता है 10 से 12 mm, है ना, 10 से 12 mm इसका साइज होता है। प्लस क्या होता है, सी शेप में होती है, याद होगा सबको, बाकी मैं अभी डायग्राम दिखा दूंगा आपको, सी शेप कैसे, सी शेप होती है। प्लस क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं, जो मैंडिबल्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मैंडिबल क्या होते हैं, इसलिए आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में जो फंडामेंटल कोर्स लगता है, मैंडिबल्स क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं, है ना। तो ये मैंडिबल्स जो होते हैं इसके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सी शेप में होते हैं, सी शेप का लार्वा होता है या ग्रब जो भी बोल लो, स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं, 10 से 12 mm इसका साइज होता है। अब इसकी बात करें
तो इसके जो मोल्टिंग जो होती है ना, मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट में क्या होता है कि मोल्टिंग होती है, लाइफ साइकिल में बहुत बार मोल्टिंग होती है। हर मोल्टिंग के बाद क्या एक अलग इंस्टार निकल के आता है, स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए, क्या इंस्टार। तो ये जो इसका जो ग्रब है ये क्या है, तीन इंस्टार से गुजरता है, यानी कि इसमें क्या होता है तीन बारी क्या है लगभग मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग होने के बाद ये क्या होता है प्यूपा में बदलता है, और प्यूपा से फिर बाद में एडल्ट बाहर निकल के आता है। अभी इसकी बात करेंगे जो लाइफ साइकिल है। अभी ये आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, डायग्राम में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका ग्रब है, दिख रहा होगा सबको। ये क्या है, सी शेप में है, दिख रहा है सी शेप। अब इसको ऐसे मत सोचना सर कि ये उल्टा सी है, उल्टा सी, अब ये तो ऐसे पड़ा होगा तो सीधा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। क्या है ये, सी शेप का है, तो सी शेप आपको दिखाई दे रहा है, और इसके थ्री पेयर्स ऑफ क्या है लेग्स भी आसानी से दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम के अंदर, है ना। तो ये है ना सी शेप जो मैंने आप बता रहा था, ये क्या है वाइट ग्रब का लार्वा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका एडल्ट, है ना, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये जो नेगेटिव सॉरी ग्रब जो इसका होता है वो क्या है, मटबेले या फिर वाइटिश कलर का होता है। ये आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। इसकी अगर लाइफ की स्टेज की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एग, ये दिखाई दे रहा है आपको एग। ये फर्स्ट इंस्टार का ग्रब, सेकंड थर्ड इंस्टार का ग्रब हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये प्यूपा में बदल जाएगा। ये स्टेज जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, प्यूपा है। प्यूपा क्या रहता है, प्यूपा इमोटाइल रहता है, यानी कि इसका क्या है कोई एक्टिविटी नहीं होती प्यूपा, ये क्या है डोरमेंट रहता है। इसके बाद क्या है, इससे जो है एडल्ट बाहर निकल के आता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्यूपा की, तो प्यूपा में क्या होता है, ये 20 से 40 सेंटीमीटर की गहराई पर। प्यूपा होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि लार्वा से, या फिर बात करें जो ग्रब है, ग्रब स्टेज से एडल्ट में बदलने से पहले क्या होता है कि ये कुछ समय के लिए अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको रोक लेता है। इसी दौरान क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कैसे, जैसे कि आपको दिख रहा है जो ग्रब है इसके अंदर क्या है, विंग्स नहीं होते, है ना, विंग्स नहीं होते। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी इसके बॉडी पार्ट्स है या लेग्स है वो अलग अलग होगी, है ना, और इसके बाद जो इसके विंग्स डेवलप होंगे वो सारी क्रियाएँ जो होती है वो इसी प्यूपा स्टेज के दौरान होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि सोइल के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर की गहराई पर जाके क्या करते हैं, एक अर्थन कोकून बनाते हैं। अब अर्थन कोकून का मतलब क्या है, मिट्टी का, है ना, अर्थन कोकून। कोकून का मतलब क्या है, यहाँ पे सिल्कवर्म में भी पढ़ा होगा आपने कोकून। कोकून क्या होता है, एक लेयर बना लेता है इंसेक्ट अपने चारों ओर। अर्थन का मतलब क्या है, यहाँ पे मिट्टी की, यानी कि ये क्या करेगा, ये जो भी है इसका ग्रब है ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक मिट्टी की लेयर बना के उसको क्या करेगा, सीमेंटेड टाइप कर लेगा। और इसी के अंदर क्या है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, अर्थन कोकून बोलते हैं, ठीक है, कोकून। इसी कोकून के अंदर क्या है, इसमें चेंजेस आते हैं, और फिर ये क्या, इससे कुछ समय रहने के बाद क्या है, इससे फिर एडल्ट बाहर निकल के आता है। कौन सी स्टेज कितने टाइम की होती है ये मैंने आगे डायग्राम में दिखा रखा है, जो इसका डायग्राम दिखाऊंगा अभी मैं आपको लाइफ साइकिल का। तो क्या है, 20 से 40 सेंटीमीटर की गहराई पर अर्थन कोकून बनाता है, उसी के अंदर क्या है ये एडल्ट में बदलता है बाद में, पहले प्यूपा में बदलता है। और इस प्यूपा का कलर क्या होता है, पहले लाइट येलो होता है, पहले क्या होता है लाइट येलो, जो बाद में ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज जो है प्रौढ़ अवस्था जिसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वैसे तो हिंदी बता रहा हूँ मैं, इतनी ज़्यादा कोई इंग्लिश नहीं है। इसके जो नोट्स हैं, ये जो पूरा आपका सिलेबस है, जैसे ही एक दो पेस्ट और बचे हैं आपके भी पॉलीफेगस में, जैसे ही पॉलीफेगस पेस्ट कंप्लीट होंगे मैं आपको इसके हिंदी में जो नोट्स हैं वो आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एक बार इसको समझ लें अच्छे से, वीडियो ज़्यादा फायदे करेगी, अगर इसको देख के अच्छे से आप पढ़ोगे बुक में तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा। तो एडल्ट जो स्टेज होती है, एडल्ट की खास बात क्या होती है कि ये कुछ समय तक क्या है डोरमेंसी में रहती है,
अब यहाँ डोरमेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया, सुसुप्ता अवस्था किसको बोलते हैं। डोरमेंसी क्या होता है, ऐसा टाइम यानी कि इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जब उसको फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिलता, या बात करें बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उस कंडीशन में क्या होता है, इंसेक्ट कुछ समय के लिए अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनको रोक लेता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेट्स वापस आती है, उस समय क्या होता है, वो वापस ही अपनी जो है एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देता है, इसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। अब ये डोरमेंसी में मैंने आपको दो टर्म बताई थी, एक तो बताई थी हाइबरनेशन, हाइबरनेशन एक होती है एस्टिवेशन, ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है, कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है, होती डोरमेंसी है दोनों में ही। अगर डोरमेंसी होती है हाई टेम्परेचर की वजह से तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन, ठीक है। अगर कोई इंसेक्ट हाई टेम्परेचर की वजह से डोरमेंसी में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। और अगर कोई इंसेक्ट लो टेम्परेचर की वजह से डोरमेंसी में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया एडल्ट। अब ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका लाइफ साइकिल, पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल, इसको डायग्राम के थ्रू देखना कि सबसे पहले क्या होता है कि जो एग स्टेज होती है, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है क्या है, एग स्टेज जो है ये कितने दिन की होती है, 7 से 10 दिन की, यानी कि 7 से 10 दिन के बाद इससे क्या होता है, ग्रब बाहर निकलता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्रब सेकंड स्टेज हो गया। ये जो स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल की सबसे बड़ी या लेंथी स्टेज होती है, तो ये कितने दिन की होती है, 100 से 110 दिन की, 100 से 110 दिन की स्टेज होती है ये ग्रब, इसी अवस्था में रहता है, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज इसका होता है वो इसी स्टेज में होता है, ठीक है। फिर ग्रब से क्या होगा, 2-3 बार मैंने आपको बताया 3 इंस्टार्स बनेंगे, उसके बाद क्या है, ये एडल्ट सॉरी प्यूपा में बदलेगा। तो ये प्यूपा जो है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या है, एक डोरमेंट स्टेज है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, ये क्या रहती है, 10 से 27 दिन की रहती है। और इसी दौरान क्या है, इंसेक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जैसे उसका बॉडी शेप हो गया, कलर हो गया, उसके विंग्स जो डेवलपमेंट है वो सब इसी दौरान होता है। इसके बाद क्या होता है, फिर एक एडल्ट बाहर निकल के आता है, पूरा जो प्रोड कीट है वो बन के आता है। और इस यहाँ 2 से 3 का मतलब क्या है, यहाँ ये इसकी लाइफ साइकिल की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो इन सब के क्या है, टाइम पीरियड की बात हो रही है कि इससे इतने दिन बाद ये बन जाएगा, इससे इतने दिन बाद ये बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से 3 दिन का मतलब ये नहीं है। ये क्या है, पहले तो ध्यान रखना डेज में है ना ये सब जो है, तो ये 2 से 3 डेज ध्यान रखना, ये यहाँ इसकी लाइफ की बात नहीं हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्शन दो एडल्ट बनने के, या इनके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है उसके 2 या 3 दिन बाद क्या है, ये एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है। अब मैंने आपको बता दिया पहले ही क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये बात हो चुकी है अपने पहले, इसमें क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। फिर अगर बात करें इसकी लाइफ की, तो टोटल इसकी लाइफ कितने दिन की होती है, 129 to 150 days, 129 से लेके 150 दिन तक की इसकी क्या है, कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। इसके बाद एक ही जनरेशन होती है इसकी, एक साल में एक ही जनरेशन, ठीक है, एक साल में इसकी कितनी जनरेशन पाई जाती है, एक ही पीढ़ी पाई जाती है पूरे एक साल के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि लाइट ट्रिप, पिछले सेमेस्टर में आपके कोर्स भी था जिसमें लाइट ट्रिप वगैरह सब थे, तो लाइट ट्रिप सबको पता है क्या है, क्या करते हैं कि रात के समय जिस क्रॉप में अटैक हो रखा होता है, या बात करें जो बारिश का सीज़न होता है जिस समय एडल्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं, उस समय क्या है, जो जून जुलाई का टाइम है ना, जून जुलाई का जो समय है, उस समय क्या करते हैं, फील्ड के अंदर लाइट ट्रैप लगा देते हैं। तो लाइट ट्रैप से क्या होगा कि ये इंसेक्ट, इसके जो एडल्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वहाँ पे क्या रहता है, नीचे एक जो बकेट या फिर जो भी पात्र रहता है उसके अंदर केमिकल्स डाल रखे होते हैं, उससे क्या होता है कि ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर सेकेंड, समर प्लोइंग या डीप प्लोइंग, यानी कि समर सीजन के अंदर क्या करते हैं, डीप प्लोइंग गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई करेंगे फील्ड की। उससे क्या होगा कि मान लो ये सोइल है, इसके नीचे इसकी एग स्टेज भी पड़ी हुई है, कुछ प्यूपा भी है बने हुए, ग्रब भी है, तो ये सारी स्टेज रहती है। जैसे ही डीप प्लोइंग करेंगे है ना, तो गहरी जुताई करेंगे, उससे क्या है, ये सारे जो है ये क्या करेंगे, मिट्टी के साथ क्या है, ऊपर आ जाएंगे सतह पर,
ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा कि सनलाइट से क्या होंगे ये ख़त्म हो जाते हैं, या बात करें तो इनकी वायबिलिटी नहीं रहती, एग्स जो है उनसे ग्रब बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो ये हो गया डीप्लोइंग। अब बात करेंगे कुछ केमिकल स्प्रे की, तो सबसे पहले अगर बात करें फोलिएज स्प्रे, है ना। फोलिएज का मतलब क्या है, यहाँ क्या है, खड़ी फसल के अंदर अगर हमें किसी क्रॉप का किसी वाइट ग्रब का अटैक हो रखा हो तो उस समय क्या करेंगे कि आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी है 250 लीटर, है ना, 250 लीटर पानी के अंदर प्रति हेक्टेयर की दर से ये जो नीचे दवा दी गई है इनमें से किसी एक दवा का छिड़काव करते हैं। एक तो हो गया कार्बेरिल 50 WP, यहाँ WP क्या है, WP ये सारी जो भी फॉर्मुलेशंस है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पिछली क्लास का मतलब आपका जो पिछला सेमेस्टर था उसमें। तो WP का मतलब यहाँ पे क्या है, वेटेबल पाउडर, है ना, जो कि घुलनशील पाउडर होता है। तो इसकी 500 ग्राम मात्रा लेते हैं। अगर क्विनोलफोस की बात करें तो 20 ES लेते हैं, ठीक है, एमल्सीफाइड सोल्यूशन 200 ml पानी के अंदर। और क्लोरोपाइरीफोस की 20 EC जो है इमल्सीफाइड कंसनट्रेशन वो लेते हैं 250 ml पानी, 250 ml मात्रा लेते हैं 250 लीटर के अंदर एक हेक्टेयर के लिए। अब बात करते हैं सोइल एप्लीकेशन की। अगर मान लो किसी सोइल के अंदर हमें इसका छिड़काव करना है, छिड़काव करने का मतलब सोइल के अंदर मिलाना है इस केमिकल्स को वाइट क्रब के कंट्रोल को करने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात करें फोरेट, है ना, फोरेट यहाँ लिखा हुआ है 10 G। जी का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रेन्यूल्स, है ना, जो दाने जो आते हैं ना, दाने में बहुत सारे आपने देखा होगा जो भी केमिकल्स आते हैं, तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं जी से डिनोट करते हैं। फोरेट 10 G है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या है सोइल के अंदर मिलाते हैं। फिर है एकालक्स 5 G, इसको भी क्या है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सोइल में मिलाते हैं। या फिर कार्बोफ्यूरॉन 3 G जो है इसको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाते हैं। अब बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट की। ये देखा गया है कि जो मेनली बात करें ग्राउंडनट की जो क्रॉप है उस सेंस में, अगर ग्राउंडनट की जो मतलब जो मूंगफली या उसके सीड्स जो हैं हमें सोइंग करने हैं, अगर उनको सोइंग करने से पहले हम क्या करते हैं क्लोरपाइरीफोस से अगर उसको ट्रीटमेंट करते हैं 12.5 ml पर किलोग्राम सीड के हिसाब से दवा लेकर अगर उसकी सीड कोटिंग करते हैं या सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो इस क्रॉप के अंदर क्या होता है वाइट ग्रब का डैमेज नहीं होता है। ओके, ये आपकी वाइट ग्रब की क्रॉप अगर बात करें, वाइट ग्रब पेस्ट है जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके शायद दो पेस्ट और बचते हैं इस जो पॉलीफेगस पेस्ट की कैटेगरी है उसमें, उसके बाद अलग अलग पेस्ट आएंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसके जो PDF है मैंने आप बता दिया आपको कि दो, जैसे ही एक दो पेस्ट बच रहे हैं पॉलीफेगस के वो कंप्लीट होंगे, इसके बाद आपको कंप्लीट PDF इसकी दे देंगे। ओके, थैंक यू।